एम्स ऋषिकेश बहुत सारे एम्स ऑलरेडी खुल चुके हैं और अभी और ओपन होने वाले हैं इस बार के बजट में पास हुआ था आपने देखा होगा आई आई एम आई आई टी एम्स ये सब कुछ न्यू ओपन हो रहे हैं सो बेस्ट अपॉट बेस्ट पार्ट ये होता है ना यार कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जल्दी से एंट्री ले जाओ और आप फर्स्ट कैंडिडेट हो जाओ उस लैब को सेट करने में वहाँ रिसर्च करने में बोलते हैं आप एक बेस हो जाओ वहाँ पे सो so डेफिनेटली आपको वहाँ के सारे बेनिफिट मिलने के चांसेस रहते हैं सो एम्स ऋषिकेश के अंदर रिक्रूटमेंट की एक पोस्ट है जे की एंड द टॉपिक इज़ वेरी गुड डिटेक्शन ऑफ नोबल जेनेटिक एवरीवेशन बाय एग्जोम सिक्वेंसिस

सो so, इसके अलावा आपके पास वैलिड नेट या गेट स्कोर हो देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट नाउ कम्स टू द डिजायरेबल डिजायरेबल डिपेंड अगर आपके पास है देन यू विल गेट अ प्लस पॉइंट अगर नहीं है देन यू विल गेट अ नेगेटिव पॉइंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका सिक्वेंसिंग या मॉलिकुलर टेक्निक्स पे है देन यू विल बी प्रिफर्ड तो आपको कुछ करना नहीं है नीचे एक सिंपल सा फॉर्म है आपको उस फॉर्म को फिल करना है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट ठीक है ये सारी एक स्कैन करके पीडीएफ डी बना के आपको सिर्फ और सिर्फ मेल कर देना है यार सबसे इजी होता है देखो अब इसमें भी अप्लाई नहीं करोगे अप्रोच नहीं करोगे तो कैसे चलेगा आप सिर्फ सोचोगे मैं बड़ा एग्जामिनेशन निकालूं इंटरव्यू हो और मैं सेलेक्ट हो जाऊं दिस इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रोजेक्ट में एंटर करने की कोशिश करो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा सो थर्टीन फेबररी तक ये टाइम है आप इसको अप्लाई करो इंटरव्यू अगर होगा तो आपको वहीं जाना पड़ेगा और मीटिंग रूम में हो सकता है ऑफलाइन हो जाए बट कैन नॉट श्योर ठीक है तो इसको जल्दी से आप अप्लाई कर दो जिससे कि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाए एंड यू विल एटलीस्ट एक्सपीरियंस लो मैं बोलता हूँ अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई तो करो अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा तो आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा तो हमेशा हर चीज़ से पॉजिटिव लेने का सोचो नेगेटिव मत सोचो एक पोस्ट है प्रोजेक्ट पोस्ट है किसी का ऑलरेडी होगा हमारा नहीं होगा ये सारे थॉट्स दिमाग में निकाल दो रिसर्च लाइन में हो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोच के आगे बढ़ो सो दिस इज द फॉर्म इसको आराम से फिल करो पी बनाओ सारे एनक्लोजर्स लगाओ फोटो लगाओ सेल्फ अटेस्ट करो और सिर्फ और सिर्फ ई कर देना यार आपको इस ई मेल आई पे सो दिस इज ऑल अबाउट अगर आपको ऐसी और पोस्ट जानना है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन ऑन कर देना और नीचे कॉमेंट कर देना सर प्लीज़ शेयर ऑल दोज पॉसिबल वैकेंसीज इन ऑल आस्पेक्ट या आप किस ब्रांच का जाना चाह रहे हो तो नीचे मुझे कॉमेंट में अपना ब्रांच भी लिख देना सो दैट आई ब्राउज एंड चेक द वैकेंसीज विच आर अवेलेबल इन योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थैंक यू ऑल द बेस्ट हैव अइजे बाय टेक केयर